कैलीग्राफी का सेंटर। सर एक बात बताओ आपको, यहाँ 89 कंप्यूटर सेंटर हमारे जो वन ईयर डिप्लोमा कोर्स देती है उनका काम है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो करते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 बच्चों को अब तक चिनार उर्दू किताब मेला आप उस परिसर में मौजूद हैं जहाँ ऑलमोस्ट 87 या 88 स्टॉल्स हैं। ऑलमोस्ट 60 उर्दू के पब्लिशर हिंदुस्तान के तमाम इलाके से आए हुए हैं। मेरा ख्याल है 8-9 स्टेट के लोग हैं जो यहाँ हैं और आप लोग के बीच में हैं किताब मेले के पास। नहीं, ये तो जॉइंट एफर्ट है, आप दावतनामा उसको देखना होगा, लेकिन ये जाहिर है कि एक गवर्नमेंट का मैंडेट है दोनों को इस बार करने का साथ में, तो हम लोगों ने किया है। अब इसको हम देखेंगे कि क्या उर्दू पब्लिशर पास नहीं पहुंचा है, वो तो आपको हम बाद में बता पाएंगे, हमारे पास तो ऐसी जानकारी आपसे ही मिल रही है। सर हमने इश्तहार तो हर तरह से दिया है और 2 महीने 2.5 महीने से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर के जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ के पब्लिशर हैं उनसे टच में हैं, जो यहाँ के एकेडमिशियन हैं उनके साथ हम टच में हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं, और एक मीन्स यही होता है, बाकी आपका ज़रिया है जो आप इसको आज जो बात कर रहे हैं तो कल तक और पहुँच जाएगी। मैंने आप देखा होगा मैं कि बुक फेयर के पहले ही 16 तारीख को एक बड़ा ऐड दिया है, पूरे जो उर्दू के तमाम अखबार थे 21 या 20 जो भी वैली से छपते हैं हमने सब जगह दिया है। हमारा जरिया यही होगा, रीडिंग हैबिट बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उसके साथ साथ उर्दू पढ़ने और किताबें पढ़ने का शौक़ लोगों में बढ़ा है। ये जान लीजिए कि जितना भी डिजिटल लेवल पर जो चीज़ें होती हैं उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो किताब को छूने का या जो उसको पढ़ने का जो एहसास है वो कभी भी आपको डिजिटल में हासिल नहीं हो सकता। जब आप पेज पलटते हैं तो वो जो आपके उंगली से जो वो टच होता है पेपर, वो आपको स्क्रीन टच में नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं है, रुझान बढ़ा है, अगर नहीं होता तो इतने लोग इतने पब्लिशर हैं दूर दराज से यहाँ कैसे आते, वो भी मौसम देखिए क्या है। और अब ये कैसे कह सकते हैं कि लोग नहीं हैं, चारों तरफ तो लोग मुझे दिख रहे हैं। आज पहला दिन है, मेला तो स्टार्ट होता है ना फर्स्ट डे, तो वो जो मेला स्टार्ट हुआ मेरा ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव है, और बाकी जो और अच्छा होगा उसमें आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप इसे पब्लिसिटी के हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। सर उर्दू की जो कैलीग्राफी फॉर्म में जो किताबें थी पहले, जाहिर है कि ओल्ड मैनुस्क्रिप्ट उसी की बात आप कर रहे हैं, तो उसके मतन को सामने रख करके जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह किया जा सकता है उसके लिए किया जा रहा है, और NCPL भी इस काम कर रही है और दूसरे इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन NCPL बहुत मेरा ख्याल 200-300 तो हमने ई किताब की शक्ल में उस तरह से डिजिटलाइज कर दिया है किताब को। तौर से जो किताबी मेला है चिनार किताबी मेला, ये NBT और इसमें नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL का भी इसमें इनका जो है इश्तराक है, और यहाँ पर कमोबेश 300 स्टॉल्स लगे हैं, NBT के हैं और बाकी जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर के पब्लिशर्स हैं इन सभी के, और इससे बच्चों में एक नया जोश और वलवला मुझे देखने को मिला यहाँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी, हमारे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से भी एक स्टॉल लगा है, तो वहाँ सुबह से ही बच्चों का बड़ा तांता बंधा रहा, तो उन्होंने जहाँ पर हमने अपनी पब्लिकेशंस लगा के रखी हैं जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से, बहुत बड़ा चैलेंज है, सही मानों में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि इस किस्म के मेले और इस किस्म के इवेंट्स जो है बच्चों में एक नया जोश और वलवला पैदा करेंगे, और मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि किताब जो है उसकी अपनी अहमियत है। अगरचि इस वक्त ई किताब का भी दौर है, लेकिन फिर भी किताब की अहमियत जो है वो कम नहीं हुई है, और किताब की अहमियत जो है वो सबसे बढ़कर है। जोश और वलवला देख रहा हूँ बच्चों का, तो मुझे लगता है कि एक, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेला ये हो रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, और मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे के बाद भी जो है मुनक़िद किया गया है इस किताबी मेले को, तो मुझे लगता है कि बच्चों में ज़रूर जो है इस किस्म का मतलब जो है जोश और वलवला पैदा होगा कि किताबों से वो